बलौदाबाजार विधानसभा में अप्रत्याशित रूप से विधानसभा प्रत्याशी के लिए भाजपा से शिक्षक टेसू लाल धुरंधर का नाम घोषित किए जाने के बाद कार्यकर्ताओं एवं टिकट के अन्य दावेदारों में गहरे असंतोष के चलते मंगलवार की दोपहर कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के गेट पर ताला जड़ विरोध प्रकट किया। कुछ देर पश्चात वरिष्ठ भाजपा नेताओं की समझाइश के बाद आक्रोशित कार्यकर्ता गेट पर जड़ा ताला खोलने को तैयार हुए। दिन भर भाजपा जिला कार्यालय में घटित नाटकीय घटनाक्रम, कस्टोल विधायक गौरीशंकर अग्रवाल की समझाइश व दोपहर की बैठक पश्चात कार्यकर्ताओं का आक्रोश शांत हुआ। जी, भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी है देसुलाल पुरंदर जी, वो पार्टी के अनुकूल प्रत्याशी है और हमारे आरएसएस से भी जुड़ा हुआ है और गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ है, सर्वकुर्मी समाज के जिला अध्यक्ष हैं और शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का अनुकूल प्रत्याशी है। वहीं दिनभर भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र ठिकरिया द्वारा पार्टी के उप निर्णय के विरोध में पद से इस्तीफा दे दिया जाने की अफवाह भी फैलती रही। गौरतलब है कि बलौदाबाजार विधानसभा की टिकट का निर्णय यहां दावेदारों की लंबी रिश्तों के चलते पार्टी मुख्यालय के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। यहां शिक्षक तनुराम वर्मा, पूर्व विधायक लक्ष्मी बघेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रायपुर लक्ष्मी वर्मा, सोहिला मंडल अध्यक्ष आदिति बागमार, सरपंच सोहिला दानेश्वरी नायक, समाज सेवी व चिकित्सा डॉक्टर के साहू द्वारा विधानसभा टिकट हेतु दावेदारी की जा रही थी। यही नहीं, इस दौरान सांसद रमेश बैस व उनके पुत्र के नाम को लेकर भी चर्चा का माहौल गर्म रहा। सूत्रों के अनुसार पार्टी द्वारा इन दावेदारों को एक राय होकर किसी एक नाम को लेकर सहमत होने का प्रस्ताव भी किया था, परंतु इन दावेदारों में मचे घमासान के बाद पार्टी ने सोमवार की रात आरएसएस के स्वयंसेवक व शिक्षक टेसू लाल धुरंधर के नाम पर मुहर लगा दी। ऐसा है, हम लोग विचारधारा के लोग और बीजेपी जिस विचारधारा पर चलती है राष्ट्रवाद की, उसी विचारधारा से जुड़े होने के कारण पार्टी ने मेरे पर विश्वास। आपकी क्या रणनीति है इस चुनाव में, क्योंकि दोनों ही एक ही जाति से है, कुर्मी समाज से हैं, तो आप लोगों का कैसा रहेगा? नहीं, समाज का वोट की काफ़ी यहाँ महत्व है इस विधानसभा क्षेत्र में। क्या है, समाज के लोग हैं हमारे, लेकिन केवल समाज के लोगों के होने से किसी की जीत सुनती, सर्वग्राही व्यक्ति सर्वस्पर्शी व्यक्तित्व होना चाहिए और मेरा ये मानना है कि हमारे समाज के लोग और सर्व समाज के सीएम जैसे कि यज्ञ स्थल पहुंचे, वहां पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी टेसू लाल ने सीएम का आशीर्वाद लिया। सीएम ने उनकी पीठ थपथपाते हुए शीघ्र जनसंपर्क में जुड़ जाने को कहा। बलौदाबाजार से दिलीप महेश्वरी की रिपोर्ट।